मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोगे पीड़ितम कर्म बंधने। नमस्कार, पंजाब के श्री राजस्थान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राहुल आपके साथ। दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो चुका है। सावन का ये पावन पर्व भगवान शिव की एक अनूठी आस्था का प्रतीक है। तो इसी के चलते आज हम पहुंचे हैं जयपुर स्थित झारखंड महादेव मंदिर। इस मंदिर की कुछ खास बात है, ये अपने आप में एक अनूठा और भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। आपको बता दें, दक्षिण भारत के जो मंदिर है उनकी खूबसूरती समेटे ये प्यारा झारखंड महादेव जी का मंदिर आज हम यहाँ आए हैं। यहाँ पे लोगों से जानेंगे, जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर हजारों की संख्या में, आपको बता दें रोजाना प्रभु शिव के भक्त जो हैं यहाँ पर पहुँचते हैं, मौजूद होते हैं, उन्हें दूध से नहलाते हैं, जल चढ़ाते हैं। और श्रद्धालुओं से भी बात करेंगे, पुजारी से भी जानेंगे, पंडित जी से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सावन का महीना भगवान शिव के लिए क्यों खास माना जाता है। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं कुछ श्रद्धालुओं से। झारखंड महादेव मंदिर में भक्तजनों से हम बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? हर हर महादेव। मेरा नाम विश्वास पांडे है जी। तो विश्वास जी, किस विश्वास के साथ आप झारखंड महादेव मंदिर दर्शन के लिए आए? अब विश्वास की बात करें तो भोलेनाथ का तो पूरा जगत ही इनका भक्त है, पूरा परम ब्रह्मा है और पूरे जो समस्त ब्रह्मांड है इन्हीं के ऊपर चल रहा है और सभी के ऊपर इनकी कृपा बनी हुई है। दो दो सामान है, डबल सामान है और इनकी बहुत बड़ी भक्त हमारे साथ है, आप इनसे बात कर सकते हैं। जी मैम, आपसे भी जानना चाहूँगा मैम, सावन का महीना है, शिव जी की, देवों के देव महादेव, किस आस्था के साथ आप मंदिर आते हैं, क्या भक्ति भाव रहता है? भगवान हमारी सब मनोकामना पूरी करते हैं, ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और भोलेनाथ भोले भंडारी है, वो सबकी इच्छा पूरी करते ही है। बहुत भोले हैं एक्चुअली शिव जी, बिल पत्थर में भी मान जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप जल भी नहीं चढ़ाओगे, खाली शिखर का दर्शन कर लोगे तो भी वो खुश हो जाएंगे। बस माता जी, आप क्या कहेंगे, सावन का महीना क्यों खास होता है, सावन के महीने में आखिर ऐसी क्या बात होती है? सावन के महीने में ये भगवान भोलेनाथ का सब भजन पूजन करते हैं और भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है सबके ऊपर। जो भोलेनाथ है इनकी जो कृपा दृष्टि है विशेष रहती है सावन के महीने में, इसलिए सावन का महीना विशेष तौर पे अपने हिंदू संस्कृति में मनाया जाता है। अच्छा, सावन का महीना है, भोले बाबा की पूजा अर्चना लोग करते हैं, इस दौरान आप व्रत वगैरह भी रखते हैं? हाँ रखते हैं, व्रत रखते हैं। हाँ, सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, बहुत सी महिलाएं पूरा महीना व्रत रखती है, नियम से पूजा अर्चना करके फिर खाना वाना खाते हैं, एक ही टाइम खाना खाते हैं। अच्छा। हाँ, पूरा एक टाइम आप खाना, एक टाइम खाना पूरे महीने, पूरा महीना एक टाइम खाना जब व्रत रखते हैं ना, तो पूरा महीना फुल महीना पूजा वूजा सब करके फिर आराम से दिन में एक टाइम खाना खाते हैं, बाकी फिर कुछ भी नहीं लेते। अगर ज़्यादा कुछ इच्छा हो तो फलाहार ले लो, फल फ्रूट ले लो, बाकी अन्न नहीं लेते, अन्न नहीं लेते। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं झारखंड महादेव मंदिर के पुजारी। पुजारी जी, पहले तो आपका शुभ नाम बताएं। मेरा नाम पंडित योगेश शास्त्री है जी। अच्छा पंडित जी, सावन का महीना शुरू हो गया है, बड़ा ही पावन पर्व है ये, और भोले बाबा की तो महिमा इसमें अपार मानी जाती है, किस तरीके से कब आप पूजा करते हैं, इस सावन के महीने में क्या कुछ खास रहता है झारखंड महादेव की अगर हम बात करें? देखिए, सावन का महीना है वो भगवान शिव के लिए बड़ा प्रिय है। सनातन धर्म के अंदर वेदिन परंपराओं को देखते हुए ये झारखंड महादेव भगवान है वो स्वयं भी मूर्ति है, ये अपने आप स्वयं में यहाँ प्रतिष्ठित है, यहाँ भक्तों का सैलाब रहता है, यहाँ पूजा जो है प्रातःकालीन और सायंकाल के सूर्यास्त के समय की जाती है। मैं यहाँ पुजारी नहीं हूँ, मैं यहाँ पे एक दिवसीय अनुष्ठान करवाने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। और यहाँ सावन के पूरे महीने में सहस्त्र गठाभिषेक रुद्राभिषेक का कार्यक्रम होते हैं, उस सहस्त्र गठाभिषेक के अंदर ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, यजमानों के द्वारा भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक किया जाता है, जिससे जिससे जीवन मंगलमय हो और इस संसार में कई प्रकार की जो मनुष्य जीवन में बाधाएं चलती रहती है उनका निवारण करने के लिए भगवान शिव का पूजन ही विशेष बताया गया है। शिव का मतलब होता है कल्याण करने वाला। तो मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोगे पीड़ितम कर्म बंधने। भगवान शिव का पूजन करने से कितने भी रोग दोष हो वो सब नष्ट होते हैं और मनुष्य की दीर्घायु की प्राप्ति का भगवान आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अच्छा, सावन के महीने में क्या खास होता है, सावन का महीना आखिर क्यों भक्त हैं जो मंदिरों में अपार श्रद्धा लेकर, श्रद्धा भक्ति भाव के साथ मंदिरों में आते हैं, तो सावन के महीने में ऐसा क्या खास होता है? देखिए, सावन भगवान शिव का बहुत प्रिय मास माना जाता है,
इसमें ऋतु के अनुसार वर्षा ऋतु भी होती है। अपन इस समय प्रगति का भी बहुत आनंद में रोचक होता है। जितना शास्त्र के अनुसार मैंने जो लेखन की पढ़ा है, मेरे हिसाब से भगवान शिव को श्रावण मास बहुत प्रिय बताया गया है और भगवान शिव को जल का ही विशेष प्रिय माना गया है। अच्छा, एक सवाल और आपसे। आजकल मंदिरों में ड्रेस कोड को लेकर बड़ी बात चल रही है, कई गुट बढ़ चुके हैं इसमें। अब ये है कि आप कटे फटे कपड़े पहन के जीन्स शॉर्ट्स में नहीं आ सकते मंदिर में, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। अपने सनातन धर्म में वो ये जो वेशभूषा का जो है वो बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा वो दिया है, क्योंकि भगवान के समकक्ष अपन पूजन करने के लिए यहाँ पे आते हैं तो पूर्ण रूप से वस्त्रदान होना चाहिए, क्योंकि जो साष्ट अंग छः अंगों में अपना शरीर विराजमान है, वो अंग जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखे। कटे पटे वस्त्र जो पहन के आते हैं वैसे भी लौकिक दृष्टि के आधार से उनको अशुभ माना जाता है। चाहे सबसे बड़ा तो सनातन धर्म में ये दिया है कि कुर्ता धोती हो पुरुष के लिए, स्त्री की महिलाओं के लिए जो है साड़ी हो, और सिर वगैरह वो है नग्न नहीं हो, इसलिए बताया गया है।